d recognition of the elements of the financial statement learned kia how to recognize what are the criteria of recognizing the elements of financial statement now you would be learning d recognition remember recognition means to capture the items in the statement of financial position and in the statement of financial performance

ओके ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द रेकनाइज एसेट आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं यू परचेज प्लांट एंड मशीनरी आपने प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट किया और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ये हो गया रेकग्नाइज करना उसे रेकग्नाइज कर लिया आपने अब बैलेंस शीट में शो हो रहा है पांच साल गुजर गए वो प्लांट पुराना हो गया अब समझ रहे हैं कि यू शुड रिप्लेस दिस प्लांट ओल्ड प्लांट आप अब डिस्पोज ऑफ करेंगे जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आप फिजिकली रिमूव कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी एंटिटी के प्रेमिस से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से भी उसको रिमूव कर देंगे इसको कहेंगे डी रेकग्नाइज करना इन द सेम वे लाइबिलिटी नॉर्मली डी रेकग्नेशन ऑफ लाइबिलिटी अकर्स वेन द एंटिटी नो लोंगर हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एनी और पार्ट ऑफ द रेकनाइज लाइबिलिटी आपने लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी अब आपके ऊपर कोई ऑब्लिकेशन नहीं है या वो लाइबिलिटी आपने माफ करवा ली आपको डिस्काउंट मिल गया अब आपके ऊपर कोई ऑब्लिकेशन नहीं है तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कहता है कि एनी एसर्ट और लाइबिलिटी विच हैव एक्सपायर्ड और कंज्यूम्ड, ओके okay, या एसेट कलेक्ट हो गया या लाइबिलिटी फुलफिल हो गई और ट्रांसफर हो गई वो एसेट या लाइबिलिटी उसके डी रेकग्निशन की वजह से जो रेकग्नाइज होगी दूसरी बात वो क्या होगी वो इनकम या एक्सपेंस रेकग्नाइज हो रहा होगा अब इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आप इसको दोबारा से समझ लें कि हमने एसेट डी कर दिया एसेट डी क्यों किया क्योंकि वो मिलने नहीं थे पैसे अकाउंट्स थे बैड हो गए अकाउंट्स को राइट ऑफ कर दिया और उसके अगेंस्ट आपने बैड डेट एक्सपेंस को रेकोगनाइज कर लिया इन्वेंट्री नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कॉस्ट से कम मैजर हुई कॉस्ट थी हंड्रेड थाउजेंड रुपीज और उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट को राइट डाउन कर दिया एट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज लॉस हो गए उस लॉस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एज एन एक्सपेंस आप रिकग्नाइज कर रहे हैं और इन्वेंट्री को डी रेकनाइज कर रहे हैं फॉलो किया तो यू आप देख रहे हैं कि जब एसेट डी रेकनाइज हो रहा है तो आपको अगेंस्ट एक एक्सपेंस बाज़ुकात रेकग्नाइज होता हुआ नजर आता है right. हाँ, बाद सूरतों में एसेट जैसे रिसीवेबल रिसीव हुआ तो एसेट डी रेकग्नाइज हुआ उसके अगेंस्ट कैश रियलाइज हो गया तो अगर तो वो रियलाइज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कैश या ट्रांसफर हो रहा है किसी और एसेट में तो क्या होगा एक एसेट डी डीरेकग्नाइज हो जाएगा कोई दूसरा एसेट रेकग्नाइज हो जाएगा वेल right? well, को ले लीजिए अब लाइबिलिटी जब डी रेकग्नाइज होगी तो लाइबिलिटी डेबिट हुई खत्म हो गई उसके अगेंस्ट या तो कोई इकोनॉमिक रिसोर्सिस का आउटफ्लो हो रहा होगा लेट्स कैश पेमेंट हो रही है कैश क्रेडिट होगी या फिर लाइबिलिटी जब डी रेकग्नाइज हो रही होगी तो आपको किसी डिस्काउंट के अगेंस्ट वो डी रेकग्नाइज हो रही होगी तो डिस्काउंट आपके लिए जो होगा इनकम होगा वो इनकम रेकग्नाइज हो रहा होगा तो ये है डी रेकग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी दैट रिजल्ट इन टू द रेकनीशन ऑफ एक्सपेंसेज और इनकम की कहानी आई ट्रस्ट आपका समझ आ गई होगी